ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ का नाम काफी ज्यादा आता है क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के बल्लेबाजी को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। T20 क्रिकेट में सेंचुरी भी लगा चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़, और ऋतुराज गायकवाड़ IPL काफी अच्छा खेलते हैं, ऑरेंज कैप होल्डर भी रह चुके हैं IPL में, ठीक है। उनका उनकी टीम भी जीत चुकी है और काफी अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं। तो जो फैंस हैं, ठीक है, जो इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं, वो ऋतुराज गायकवाड़ की मांग कर रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को भी T20 क्रिकेट में वापस लाना चाहिए। और ऋतुराज गायकवाड़ का जो परफॉर्मेंस है इतना तगड़ा, इतना बढ़िया है, तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों वापस टीम में नहीं लाया जा रहा है और क्यों ऋतुराज गायकवाड़ को भी मौके पे मौके क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ जो है नो डाउट एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन टीम इंडिया के पास बहुत सारे ओपनर बल्लेबाज हैं। आप अभिषेक शर्मा को भी एज ओपनर कह सकते हैं जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, यशस्वी जायसवाल को भी कह सकते हैं बेहतरीन बल्लेबाज हैं, शुभमन गिल को भी कह सकते हैं। तो 3-4 ओपनर बल्लेबाज हैं टीम इंडिया के पास, ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं। तो इन चारों में से दो ही जोड़ी कर सकती, तो जोड़ी जो है दो पेयर बन सकता है। और वहीं ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसे बल्लेबाज हैं, ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको परमानेंट आप लोग कह सकते हैं कि T20 क्रिकेट में मौका मिल सकता है, क्योंकि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो अपना भूमिका जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से निभाएंगे।